अब तो मुझे भी पता चल गया कि घर को कैसे संभालना है, हिसाब में लिखना होता है। अरे मम्मी जी मैं हो तो सही, एक बार मैंने उसको चाबियां दे दी तो समझ ले मेरे तो हाथ से गया सब। ये लो मम्मी जी। और मम्मी मैंने ना आपकी दवाई की पर्ची इनको दे दी थी, ये शाम को आते वक्त ले आएंगे आपकी दवाई। राशन का सामान ले आई थी, हाँ जी, और मैंने ना वो दूध वाले को पैसे भी दे दिए थे, पैसे बचे होंगे ना उसमें से, तो मम्मी 215 रुपए बचे हैं उनमें से। हाँ दे देना वो मुझे, हिसाब में लिखना होता है। जी मम्मी दे दूंगी, वो भैया के पास खुले नहीं थे, कह रहे थे शाम को दे दूंगा। ठीक है मम्मी, ये आपको चार धाम की यात्रा करवाना चाहते हैं क्या? चार धाम की यात्रा? हाँ कह रहे थे, मम्मी से पूछ लेना टिकट करवा दूंगा। अरे चार धाम की यात्रा कौन सी एक दिन में हो जाएगी, पूरा महीना भर लग जाएगा। अब पीछे से घर भी तो संभालना है, इसे कौन संभालेगा? अरे मम्मी जी मैं हो तो सही, मेरी शादी को भी 3 साल हो गए हैं, अब तो मुझे भी पता चल गया कि घर को कैसे संभालना है। आप चिंता मत कीजिए, घर संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बाद में देख लूंगी, अभी मन नहीं है मेरा। ठीक है मम्मी मैं बोल दूंगी इनको। और पूनम सुना कैसी है? और सुना कोई नहीं ताजी, ठीक हूँ, सब बढ़िया चल रहा है। अरे मेरा बेटा तो मुझसे चार धाम की यात्रा की कह रहा था, अब पूनम तू ही बता, चार धाम की यात्रा एक दिन में तो हो नहीं जाएगी, कम से कम 1-1.5 महीना लगेगा, अब मेरे पीछे से घर कौन संभालेगा? बहू तो कह रही थी मम्मी जी चली जाओ मैं संभाल लूंगी। अरे ऐसे कैसे संभाल लेगी, बच्चों का खेल है क्या? देख रेनू तेरी बहू बहुत अच्छी है, गुणी है, संस्कारी है, समझदार है, अरे तू उसे एक मौका दे के तो देख, हो सकता है वो तुझसे अच्छे से घर संभाल ले। अब तक तूने ही तो घर संभाला है, अब तेरी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, अब उसकी बारी है, उसको एक मौका तो दे के देख। ऐसे कैसे सौंप दूँ उसको मैं, एक बार मैंने उसको चाबियां दे दी तो समझ ले मेरे तो हाथ से गया सब। देख आजकल जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, परिवार में प्यार बना रहे ना यही बहुत होता है, और कहीं ऐसा ना हो तेरी बहू के मन में तेरे लिए कड़वाहट पैदा हो जाए। वैसे भी आजकल की बहुएं सास ससुर को रख के राजी ही नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरे बेटे को लेके ही चली जाए, तुझसे अलग हो जाए वो, और अगर कोई दिक्कत हुई भी तो तू है तो सही, तू समझा देना उसे, ठीक है? अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है प्रिया, बेटा सुनना जरा। जी मम्मी। प्रिया बिट्टू से कहकर बेटा मेरी चार धाम की यात्रा की टिकट करवा देना, और ले ये बेटा चाबी और पैसे, मेरी गैर हाजिरी में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, और बेटा मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, तू इस घर को बहुत अच्छे से संभाल लेगी, और कभी कोई परेशानी आएगी तो मैं हूँ तो सही। ठीक है मम्मी आप चिंता मत कीजिए, आप बेफिक्र होके घूमने जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। एक सास जितना विश्वास अपनी बेटी पर करती है और एक बहू जितना विश्वास अपनी माँ पर करती है, अगर सास बहू एक दूसरे पर भी उतना ही विश्वास करें तो हर घर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाए। हाय फ्रेंड्स, हमारे साथ आप सभी टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम एक फ्री ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक समस्या का समाधान व आपके द्वारा पिछले 24 घंटे में किए गए अच्छे कामों के बारे में पूछा था। आप सभी के कमेंट बहुत अच्छे थे, हमारी टीम ने कुछ के कमेंट को छांटकर अलग किया, जिनमें से विशाल परचा जी, राहुल अग्रवाल जी, अंजलि गौड़ जी, सीमा वर्मा जी, रक्षित गोयल जी, भजन भंडार, सुनीता शर्मा जी, अक्षय धीमन जी, मदन मनाक्षी जी, नीरू माथुर जी, रूबी जैन जी, इन सभी के कमेंट हमें बहुत पसंद आए। यकीन मानिए दोस्तों, इनमें से टॉप 3 कमेंट को छांटना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, फिर भी हमने 24 घंटे में किए गए अच्छे कामों के आधार पर बेस्ट 3 कमेंट को चुना है
वो हैं सुनीता शर्मा जी, रक्षित गोयल जी, राहुल अग्रवाल जी। आप तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तीनों को आपके सरप्राइज गिफ्ट जल्दी मिलेंगे। उसके लिए आप अपने कमेंट में अपनी मेल आईडी लिखें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। चलो कुछ अच्छा कहते हैं, चलो कुछ अच्छा करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।